Let's start the summary of the dad. And Irish people are caught in past memories, and they are somehow paralyzed in their own thoughts. तो इसकी स्टोरी की समरी स्टार्ट करते हैं अब. जिस इससे प्रीवियस वीडियो में मैं इसके करेक्टर्स के बारे में और थोड़ा सा जेम्स जो इसका इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ. जो सिस्टर जूलिया और जो केट मॉर्गन है वो एक पार्टी थ्रो करती हैं, और वो अपने भांजे का बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार कर रही हैं, गैब्रियल कॉनराय का, जो कि अभी तक नहीं आया. और इट्स ऑलमोस्ट 10 PM. जैसे ही गैब्रियल कॉनराय और उसकी वाइफ आते हैं, तो गैब्रियल जो है डोर में जो है अपने आप को एक लिली के साथ स्मॉल टॉक करता है, जो कि उसके घर की जो उस घर की मेड है, और वो उस पर कोई पॉइंट पास करता है जिस पर वो कहती है कि सारे जो मैन हैं वो खुशामदी हैं, एंड दे व्हाट दे कैन गेट आउट ऑफ यू. एक जो मैन के बारे में वो उसको रिप्लाई में जब ये ऐसा कहती है, तो इस पर गैब्रियल जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज सा लगता है, और वो सम हो इसको कंपेंसेट करने की कोशिश करता है इस तरह कि वो लिली को जो है एक कॉइन देता है, जो उसे कहता है कि ये क्रिसमस का तोहफा है. वो इसे रिफ्यूज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऑलरेडी जो है अपस्टेयर्स चला जाता है जहाँ पर डांस हो रहा है और म्यूज़िक भी चल रहा है. रूम में एंटर होने से पहले जहाँ पे गेस्ट डांस कर रहे हैं और दे आर सोशलाइजिंग टुगेदर, और गैब्रियल जो है वो वॉल्ट्स का इंतज़ार करता है, और वही सोच रहा है कि जो अपनी स्पीच उसने करनी है उसमें जो रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो कोटेशन है उसको मैं रिमूव कर दूँ, क्योंकि ये ऑडियंस ये ना समझे कि मेरी जो एजुकेशन है कोई सुपीरियर काइंड की है. तो उसको यहाँ भी ये फियर इस वजह से है कि ऊपर जो है वो लिली के साथ जो उसकी बात हुई है वहाँ भी वो कन्फ्यूजन का शिकार था, और वैसे सिचुएशन यहाँ उसको फेस ना करनी पड़ जाए. उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वॉर फिनिश होता है, फ्रेडे मेलन आ जाता है. आंट केट जो है वो गैब्रियल से कहती हैं कि वो डाउन स्टेयर जाए और इस चीज़ की यकीन दहानी की करें इस बात की कि जो उसका जो फ्रेंड जो है फ्रेडे जो है जो कि ड्रिंकिंग का आदी है, वो उसने ड्रिंकिंग तो नहीं की हुई, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही है कि गैब्रियल जो है वो यहाँ पर है. अब एक और गेस्ट जो है मिस्टर ब्राउन जो आ गया है, और मिस्टर ब्राउन की ये हैबिट है कि वो फ्लर्ट करता है वुमेन के साथ. फिर उसके बाद सब डांस करना शुरू हो जाते हैं. मैरी जेन पेयर करती है मिस टैले विद बार्टल डार्सी, जो कि एक सिंगर है पा, और गैब्रियल जो है गाइड करता है फ्राइडे को कि वो बैक रूम में जाए जहाँ पे रिफ्रेशमेंट जो है वो सर्व हो रही है. फ्राइडे जो है वो अपनी स्टोरीज़ पर खुद ही हंसता है, और उसके बाद उसको लेमोनेड मिलता है विस्की की बजाय लेमोनेड मिलता है. अब यहाँ पे फिर एक सिचुएशन जो है फेस करनी पड़ जाती है गैब्रियल को. गैब्रियल की एक आदत है कि जब भी कोई उसके ऊपर रिमार्क्स पास करता है तो वो उसको अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता. वो वहाँ से उस सिचुएशन से फौरन. अच्छा, अब मूली जो है, जैसे शुरू में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि वो अपने आप को बड़ा पैट्रियोटिक आयरिश लेडी समझती है, और वो उसकी कोलीग भी है और लॉन्ग टाइम फ्रेंड भी है, और इस तरह जो है गैब्रियल जो है अब वो डांस कर रहा है मिस मूली के साथ, और मिस मूली जो है फौरन उस पर पॉइंट मारती है उसके, कहती है कि मैंने उसका रिव्यू देखा है डेली न्यू एक्सप्रेस में,
जो कि एक कंज़र्वेटिव न्यूज़पेपर है। कंज़र्वेटिव इस तरह से है कि वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटिश रूलर को सपोर्ट कर रहा है। तो बीइंग अ आयरिश वुमेन, तो वो उसको गैब्रियल को वेस्ट ब्रिटेन का नाम दे देती है। वेस्ट ब्रिटेन मींस कि एक ऐसा बंदा जो बिलोंग तो आयरलैंड से करता हो लेकिन उसके अंदर लॉयल्टी जो है वो इंग्लैंड के लिए हो। तो उसके बारे में उसने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, अपने आप को डिफेंड नहीं किया। और फिर वो उसे मशवरा देती है कि गैब्रियल जो है वो जो वेस्टर्न जो है आयरलैंड जो है उधर विज़िट करे। और फिर उससे पूछती है कि ग्रीटा जो है वो यहीं से बिलोंग करती है। तो कि हर गैब्रियल जो है उसको रिप्लाई करता है कोल्डली, हर पीपल आर। तो गैब्रियल बताता है कि वो साइकिलिंग पसंद करता है इन बेल्जियम एंड फ्रांस। उसके बाद क्या होता है, वो अगेन जो है उसे कहती है कि वाई ही डजंट कीप इन टच विद हिज ओन लैंग्वेज आयरिश। तो वो क्योंकि वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है, इससे जो है गैब्रियल मज़ीद नर्वस हो जाता है। तो वो उसको रिप्लाई में कहता है कि ही इज़ सिक ऑफ हिज कंट्री। उसके बाद जो है ग्रीटा आ जाती है। तो ग्रीटा जो है वो गैब्रियल को कहती है कि वो कार दी घूस जो है वो कर ले, जो कि वो मुमन करता है। और वो उससे पूछती है कि मुल्ली ने उससे क्या बात की है। तो गैब्रियल उसे बताता है कि मुल्ली उसे कहती है कि वो वेस्टर्न आयरलैंड में विज़िट करे। तो जिससे ग्रीटा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि बिकॉज शी वुड लव टू गो, लव टू सी गालवे अगेन, जो कि उसका अपना एरिया है। तो वो उसको उस पर ज़रा रूडली रिस्पॉन्ड करता है, उसे कहता है कि अगर उसे पसंद है तो वो अकेली चले जाए। एंड फिर यहाँ भी वो सोचता है कि हिज उसकी जो स्पीच है माइट बी कॉन्ट्रास्ट हो ए उसकी आंट जनरेशन से विद द करंट जनरेशन ऑफ मिस मूली, जिसमें हॉस्पिटैलिटी, ह्यूमर, ह्यूमैनिटी और जो है वो लैकिंग है रैदर देन जो उसकी आंट की जनरेशन है उसकी निस्बत। नेक्स्ट क्या होता है, हाँ जी, नेक्स्ट जो है गैब्रियल जो है मुल्ली जैसे ही डिनर छोड़ती है, डिनर शुरू जाती है, सॉरी डिनर शुरू होने से पहले, तो गैब्रियल जो है वो कार्व दी गूस में इन्वॉल्व हो जाता है और सबको सर्व करता है। उसके बाद आयरिश और इटालियन के पास्ट सिंगर्स के बारे में बात होती है। फिर गैब्रियल जो है अपनी स्पीच करता है और इसमें वो अपनी होस्टेस जो हैं आंट केट और आंट जूलिया को अप्रिशिएट करता है। और वो ही नोट्स डैट देयर हॉस्पिटल इज़ लाइक आयरलैंड्स ओन यूनिक अमंग मॉडर्न नेशंस। तो इसके बाद जो है जैसे मिडनाइट होती है लोग जो हैं अपने कोट पहनना शुरू हो जाते हैं अपना घर की तरफ जाने के लिए। तो गैब्री भी डाउन स्टेयर आता है, वो एक कैब राइड नीड करता है, अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा होता है डाउन स्टेयर। और गैब्रियल जो है इसी दौरान जो है वो अपने अंकल की स्टोरी सुनाना शुरू हो जाता है, सॉरी ग्रैंडफादर की स्टोरी सुनाना शुरू हो जाता है कि वो जो एक जो है उसके जो दादा हैं अबाउट ब्रिंगिंग अ हॉर्स टू अ मिलिट्री परेड इन द पार्क। जो हॉर्स जो था वो स्टार्च मिल्क में काम करता था एंड वाज यूज्ड टू वर्क अराउंड इन अ सर्कल इन ऑर्डर टू रन अ मशीन डैट राउंड द स्टार्च, यानी कि वो मशीन में वो सर्कल में जो घूमता था तो वो उससे जो स्टार्च ग्राउंड होता था। तो जैसे ही वो जो पैट्रिक जो हैं वो हॉर्स लेके गए हैं पार्क में, उसने इट स्टार्टेड वॉकिंग इन अ सर्कल अराउंड अ स्टैचू ऑफ किंग विलियम थर्ड ऑफ इंग्लैंड। तो उसने उसके इर्द गिर्द सर्कल लगाना शुरू कर दिया।
तो इससे सम क्रिटिक्स जो हैं इससे नोट करते हैं कि जो हॉर्स जो है ना स्टैचू के करीब जो घूम रहा है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि जो स्टेट ऑफ आयरलैंड है वो बीट इनटू सबमिशन बाय ब्रिटेन। उसके बाद जो है जब जैसे फ्रेडे और मिस्टर ब्राउन भी जाते हैं, तो गैब्रियल जो है देख स्टेयरवेज लिस्निंग टू एन एयर ब्रिंग सॉन्ग, इट इज़ हिज वाइफ, शी सीम्स पेंसिव एंड डिग्निफाइड टू गैब्रियल एंड ही इमेजिन डैट इफ ही वर अ पेंटर एंड पेंटेड द सीन ही वुड कॉल इट डिस्टेंट म्यूजिक। मतलब वो पेंटर होता था, वो इस सीन को पेंट करता तो वो उसको इस नाम देता डिस्टेंट म्यूजिक का। तो जैसे गाना स्टॉप होता है तो ग्रीटा जो है वो मिस्टर डार्ट से पूछती है ये कौन सा गाना है, वो उसे बताता है ये गाना है द लॉस ऑफ ऑग्रम। तो इससे उसको अपने पास की कुछ मेमोरीज याद आ जाती हैं ग्रीटा को। और जो है गैब्रियल जो है जैसे वो रास्ते में जा रहा होता है वो एडमायर करता है और उसकी ग्रीटा की अपेरेंसेस को, और वो अर्ली डेज जो है कोर्टशिप के वो याद करता है, लेकिन ग्रीटा जो है वो कहीं और गुम है, वो इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो वो गैब्रियल से पूछता है क्या मैटर है कि वाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल। तो ग्रीटा जो है फिर उसे बताती है कि उसे एक यंग मैन याद रहता है माइकल फ्यूरे, जिसके साथ उसकी वो कोर्टशिप रही है। तो बताती है कि शी वॉज इन लव विद डैट गाय। और इस बात को सुन के जो थोड़ी सी वो उसको सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि उसको इस चीज़ का पता ही नहीं था, इतना वो सेल्फ ऑब्जॉर्व पर्सन था कि उसको जिस हकीकत से उसकी बीवी ने उसे आगाह किया है उसके बारे में वो अवेयर नहीं था। जैसे ग्रीटा सो जाती है गैब्रियल जो है वो देखता है, सोचता है कि जो उसने मुझे आज बताया है, तो वो अब अपनी बीवी को थोड़ा डिफरेंटली देखना शुरू हो जाता है। उसको यूँ लगता है कि उसने